जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दो अप्रोचेज यूज़ हो रहे थे रूल बेस्ड क्राइटेरिया के लिए, एक डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था। तो डायरेक्ट मेथड का हमने एक एग्जांपल देख लिया था सिक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम, और इनडायरेक्ट मेथड का एग्जांपल हमें देखना था डिसीजन ट्री। तो देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में डिसीजन ट्री जो आपने पढ़ा हुआ होगा मशीन लर्निंग में पहले, वो मेरे पिछले लेक्चर में दिया हुआ है, पहले के लेक्चर्स में, देखना चाहें देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ रूल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए। अब यहाँ क्या है, ये देखिए नोड बना हुआ है, तो यहाँ नोड स्टार्टिंग नोड से लेकर के लीफ नोड तक बना हुआ है। लीफ नोड है, यही आपको फाइनल क्लासिफिकेशन बता रहा है कि किस क्लासिफिकेशन में आपका डेटा जाएगा, अगर उनका एट्रीब्यूट के हिसाब से, एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो R1, R2, R3, R4, R5, R6 इस तरीके से रूल दिया हुआ है फाइनल लीफ नोड तक। तो जैसे लिखा है, इफ R1 एंड R4 देन कंसिक्वेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं सर्कल बनाया हूँ कि R1 और R4 इन दोनों रूल से होके जाएगा तो आपको जो लीफ नोड है वहाँ का क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, यानी कि लीफ नोड का अगर क्लासिफिकेशन चाहिए जहाँ मैं एक एरो दिखाया हुआ हूँ वो वाला, तो आपको R1 और R4 से होके जाना पड़ेगा। अब सपोज कर लीजिए आपको यहाँ पे R4 पे जाने के लिए एक चीज़ और हो सकता है, या R3 पे जाने के लिए, तो हम R4 के ही रूल देखते हैं, ये जहाँ पे एरो बना वहीं देखते हैं कि एक तो R1 R2 का यूज़ कर सकते हैं। अदर रूल हो सकता है R1 R3, और एक रूल और यहाँ पे अगर हम R6 मान लें जो कि आपके एरो लाइन की तरफ आ रहा है, R1 पे जाइए, R3 पे जाइए, एंड एक R6 मान लें, R7 मान लें, वहाँ से एक रूल पे और जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि इफ़ R1 R2, यानी इंटेंडेंट जो लिखा हुआ था वो इफ़ होता था, कॉन्सिक्वेंट मतलब जो आपको रिजल्ट मिलता था। तो एक R1 और R3 से भी आप जा सकते थे, यहाँ पे R1 R3 से भी, R1 R4 से भी जा सकते थे, और R1 R3 एंड R6 से भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको मल्टीपल पाथ भी मिले एक ही क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये चीज़ आपके इनडायरेक्ट रूल में होता है। तो अब देखिए यहाँ पे रूल प्रायोरिटी दी हुई है, तो इफ डेटा सेट इज़ वेरी लार्ज। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या था कि ये तो छोटा डेटा सेट के लिए था कि आप रूल R1 R2 लें और काम आपका बन गया, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि अगर डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, डेटा सेट वेरी लॉन्ग होगा, तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि फाइनल यानी लीफ नोड में पहुँचने के लिए हमें R1, R2, R4, R5, R7 यानी कि 10 रूल दिया हुआ है, तो आपको 6 या 7 रूल की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको उन 6 में से केवल 3 या 4 रूल की ही ज़रूरत हो फाइनल लीफ नोड या क्लासिफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस केस में आप करते हैं प्रूनिंग, यानी कि आप उन सारे रूल को प्रून करके निकाल देंगे जिनकी हमें बहुत आवश्यकता नहीं है रिजल्ट या क्लासिफिकेशन पाने के लिए, यानी एक्यूरेसी पे बहुत डिपेंड नहीं करेगा उन रूल्स पे, तो उनकी हम प्रूनिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखा रूल प्रूनिंग, लिखा है कि रूल प्रूनिंग, यहाँ लिखा हुआ रूल प्रूनिंग क्या, इफ़ डेटा सेट इज़ वेरी लार्ज, यानी डेटा सेट बहुत लंबा होगा तभी आपको रूल प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, छोटा डेटा सेट होगा तो हमें प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आपको जैसा दिखेगा कि हाँ इन दोनों रूल्स का यूज़ करके हम फाइनल क्लासिफिकेशन पर पहुँच रहे हैं तो उन्हीं का यूज़ करेंगे, लेकिन डेटा सेट लार्ज है तो वहाँ पे प्रूनिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्लासीफायर, यहाँ यहाँ क्लासीफायर ये कह रहा है कि R1, R2, R4 और R5 एंड R7 को यूज़ करके आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डेटा की। बट जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि R1, R2, R4, R5 और R7 में से आपको कुछ ऐसे रूल हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है R2, R1, R3, R6, R4, R7, R5, R6। तो यहाँ जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है
यहाँ क्लासिफायर में दिया हुआ है कि R1, R2, R4, R5, R7 एक्चुअली इतने रूल्स की ज़रूरत है डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि R2, R1, R3, R6, R4, R7, R5 एंड R6 इन सब की मदद से आप डेटा का क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं, बट वहाँ पे R3, R6 का कोई मतलब नहीं है। R3, R6 अगर ना भी रहे तो आप जो है तो भी डेटा का क्लासिफिकेशन अच्छा कर लेंगे, तो आप वहाँ प्रूनिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपने R3, R5 की प्रूनिंग करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप रूल प्रूनिंग भी एक मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड में। तो हमने क्या लिखा है, जैसे R3, R6 एंड R8 लिखा हुआ है, R8 नॉट कंट्रीब्यूट इन ओवरऑल एक्यूरेसी, तो आपने इनको निकाल दिया। तो अच्छा, इसमें एक C4.5 एल्गोरिथम भी आता है इनडायरेक्ट मेथड में, जिनको हमें पढ़ना नहीं है। इसमें दो चीज़ें हम चेक करेंगे, क्वालिटी मेजर और एक्यूरेसी। तो हम अगर चेक करते हैं डिसीजन ट्री में कवरेज, तो कवरेज इक्वल्स होता है नंबर ऑफ टपल्स, यानी नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट्स हैं अपॉन डेटा सेट। तो नंबर ऑफ टपल्स को आप एन कवर्स भी कह सकते हैं। तो एन कवर्स का मतलब ये हुआ कि कोई अगर आपको डेटा दिया हुआ है उसकी क्लासिफिकेशन के लिए हमें किन किन एट्रीब्यूट्स का ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ टपल्स और एन कवर्स। तो आपने क्या किया, एन कवर्स यानी कि जो डी जो डेटा है, जो ट्रेनिंग डेटा में टोटल एट्रीब्यूट दिया है उनमें से जिन एट्रीब्यूट्स का यूज़ हुआ है रूल बनाने के लिए, दैट इज एन कवर्स अपॉन डी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेटा या एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। तो एन कवर्स अपॉन डी इज दी आपका क्या होगा, कवरेज होगा। तो एन कवर्स अगर आपकी दो एंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूज़ हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ जो कि यूज़ हुई हैं किसी भी डेटा के रूल बनाने के लिए, किसी भी डेटा को क्लासिफाई करने के लिए जो रूल बना हुआ है, तो दो एंट्रीज का यूज़ हुआ है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज डेटा में 14 है, तो 2/14 इक्वल्स टू 14.25 उसका कवरेज हो गया है। एक्यूरेसी क्या होता है, एन करेक्ट अपॉन एन कवर्स, यानी कि आपने जो यूज़ किया है एन करेक्ट, मतलब कि कितनी करेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ। आपको दो डेटा दिया हुआ है तो दो डेटा का कितना, या पांच डेटा हुआ है तो उनका कितना करेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ अपॉन एन कवर्स। तो सपोज कर लीजिए आपके दो टपल्स का करेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ है और एन कवर्स जो है जो कि ऊपर बताया वो 2 है, तो आपका 100% एक्यूरेसी दिखाएगा, बट 100% एक्यूरेसी कभी होता नहीं है, ये एग्जांपल में मैंने ले रखा है। तो ये आपका एग्जांपल था इनडायरेक्ट मेथड का, जिसमें डिसीजन ट्री का हमने एग्जांपल लिया था। थैंक यू।